हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2021 सीबीटी 1 में नंबर एनालॉजी से आए हुए क्वेश्चन करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी में इसी तरीके के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, पहले खुद से करें। मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर हाइड किए हैं, आप खुद से पहले सॉल्व करें। आप देखें कि आप कितनों के आंसर दे पा रहे हैं और आप किस तरीके से सोच पा रहे हैं और कितने टाइम पर दे पा रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको करना है, पहले खुद से ट्राई करना है और इसके बाद हम वीडियो में लेटर एनालॉजी से भी आए हुए क्वेश्चन करेंगे, उसे भी आप देखेंगे। इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी से आए हुए क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप वीडियो देखें और आपको लगता है कि हाँ आपके काम की वीडियो थी और आपको कुछ फ़ायदा मिला, तो आप यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो उस मेहनत का आप मुझे भी रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है? आपकी जितनी मर्जी आप उस तरीके से सपोर्ट करें। यहाँ पे यूपीआई है। कई लोग बोलते तो हैं कमेंट में, सर आपको फुल सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, लेकिन जब मैंने आपसे सपोर्ट के लिए बोला तो मुश्किल से 10 लोग अभी तक जिन्होंने सपोर्ट किया है, कुछ भी किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कितना किया, जितना भी किया उन्होंने अपनी स्वेच्छा से किया, और इतने से आप भी करें, ठीक है? इतने सारे लोग हैं, ठीक है, 4,000, 5,000, 4,000, 4,500 सब्सक्राइबर हैं और वीडियो भी इतने देखते हैं, ठीक है, देखते भी हैं, फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इसमें आप सपोर्ट करें, आपको जितनी मर्जी आप उतने करें, वीडियो को देखें। अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हुआ है तो आप ज़रूर करें, ठीक है? क्योंकि इसमें मेरी भी मेहनत लग रही है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, क्वेश्चन कलेक्ट करने होते हैं तो इसमें मेरी भी मेहनत लग रही है, मेरा भी टाइम लगता है, तो उसका आप मुझे भी रिजल्ट जरूर दें। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे एनालॉजी में होता क्या है आपको पता भी होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपका ये होता है कि जिस तरीके से आपका लॉजिक देखना होता है, जिस तरीके से पहला नंबर दूसरे से रिलेशन होता है, जो लॉजिक होता है, कोई पैटर्न होता है, सेम आपको यहाँ बताना होता है। यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज़ रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। यानी कि जिस तरीके से इन दोनों में कोई रिलेशन होगा, सेम आपको यहाँ पे बताना होता है। तो एनालॉजी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है। आपको सबसे पहले स्क्वायर याद होनी चाहिए। स्क्वायर आपको देखना है, कहीं स्क्वायर के आसपास नंबर तो नहीं है, ठीक है, अगर छोटे नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्यूब भी आपको देखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आप गैप देख सकते हो, कहीं प्लस माइनस ऐसे जुड़ा तो नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया है, बड़े नंबर आ रहे हैं, छोटे से बड़े आ रहे हैं, तो कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं है, स्क्वायर तो नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको ये हमेशा देखनी ही है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका ये सब अगर आपका नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आपका क्या आता है, डिजिट। डिजिट जो होती है, डिजिट सम करके देख सकते हैं, डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये लॉजिक सोचने हैं। अगर इस तरीके से आप सोचेंगे तो आपको दिख जाएगा। नंबर को देखना है कि उसमें डिजिट के साथ क्या हो रहा है, डिजिट के साथ डिजिट प्लस तो नहीं है, डिजिट का सम तो नहीं है, अगर बड़े नंबर हैं, ठीक है, और आपका डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करके तो नहीं लिखा गया है, इस तरीके से आपको देखना है। बाकी हम क्वेश्चन भी अभी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, अब यहाँ पे आप देखें, पहले खुद से ट्राई करें, आप देखें कितने लोग आप कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, खुद से ट्राई करें, आप देखें कितने समय में कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समय भी देखना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आप देखें खुद से कर रहे हैं, तो आपने सबने कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा, तो मैं अब इसका लॉजिक बताता हूँ, लेकिन ट्राई पहले जरूर करना, ठीक है, खुद से ट्राई जरूर करना। तो यहाँ पे जो लॉजिक है, अगर आप देखें 15 से 8 आपको चाहिए, तो आप किस तरीके से 15 से 8 जा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा है, तो आप किस तरीके से 15 से 8 जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, आपके पास इधर 25 है और यहाँ पर आपका 15 है, तो आप कैसे जाएंगे यहाँ पे? तो इसका लॉजिक क्या है, अगर आप 15 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 × 3 = 15, और इसमें 5 ऐड कर लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, 8 मिल जाता है। आप देखें यहाँ पे लॉजिक क्या बना, 15 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है, 5 × 3 = 15, और 3 में 5 ही जोड़ दिया तो हमें 8 मिल गया। तो सेम प्रोसेस जैसा हमने यहाँ किया, वो सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी करनी है, ठीक है, 25 से, तो सेम प्रोसेस में ही आंसर आना चाहिए। ये नहीं कि आपने यहाँ दूसरा लॉजिक सोचा और यहाँ दूसरा, तो सेम हमने क्या किया था, 25 को यहाँ पे 5 से, पहला स्टेप 5 से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड किया और इसमें कितना ऐड कर दिया, 5 ही ऐड कर दिया, तो 5 ऐड किया तो 5 × 25 = 5, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 10। तो इस तरीके से आप करें, ठीक है, आपका लॉजिक भी ये होना चाहिए, इस तरीके का लॉजिक होना चाहिए जिसके आपके ऑप्शन भी हों, ठीक है। तो ये यहाँ पर 10 आंसर। अब इसका आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, दूसरा लॉजिक भी सोच सकते हैं, यहाँ पर कुछ और लॉजिक भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप सोचेंगे। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा, पहले आप खुद से करें, अगर खुद से करेंगे तो अब ये तो
मेरी तर्क शक्ति है, मैंने इस तरीके से सोचा, हो सकता है आप कुछ और तरीके से सोचे, ठीक है, तो उससे भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कितने टाइम पे सोच पाने इस तरीके से आप देखेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आना चाहिए 10 आंसर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्क्वायर क्यूब डिजिट ये बताया था, और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, प्राइम नंबर भी, आप प्राइम नंबर भी यहाँ पे जरूर देखेंगे, ठीक है, ये भी आप देखें। कई क्वेश्चनों में ऐसा होता है जब आपको कुछ नहीं दिखेगा तो आप प्राइम नंबर पे भी जरूर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन में यही इसी का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन यही है, फाइंड द मिसिंग नंबर टू कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, ठीक है, कभी आप देखें क्वेश्चन अलग भी होता है, आगे हम देखेंगे भी। तो यहाँ पे देखें किस तरीके से करेंगे। अब आप पहली चीज़ आप ये देखेंगे, अगर आपको स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर से कम ज़्यादा इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे 2 का क्यूब करते तो 8 आता है, 8 से एक कम 7 है, लेकिन आप देखें आप इसको आगे नहीं सोचेंगे क्योंकि 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा, लेकिन ऑप्शन देखें कोई भी इस तरीके का ऑप्शन नहीं है, तो समझ गए आपको कैसे देखना है। तो अब यहाँ पे आप दूसरी चीज़ देखेंगे, अब आप सारे नंबर को एक बार देखेंगे ना तो आपको ये क्या लगेंगे, आप खुद से पहले ट्राई करें, ठीक है, मैंने आपको बताया पहले खुद से ज़रूर ट्राई करना, आपको ये सारे नंबर जो प्राइम नंबर दिखेंगे, ठीक है, सारे प्राइम नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ से आप प्राइम नंबर के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 और 7 में रिलेशन होगा, ऐसे ही आपको यहाँ बताना, और सेम रिलेशन इन दोनों में होगा, तो यानी कि दोनों में आपको एक पैटर्न देखना। आप देखें 2 से 7 में क्या रिलेशन होगा, आप देखें 2 के बाद आपका प्राइम नंबर क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया है, 7 लिखा गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 के बाद इन्होंने 2 प्राइम नंबर को छोड़ दिया है, उसके बाद वाला प्राइम नंबर लिखा है, ठीक है, सेम ये आपका लॉजिक हो गया, ठीक है, ये आपका लॉजिक हो गया। लॉजिक क्या है कि आपने 2 के बाद 2 प्राइम नंबर जो आएंगे उन्हें छोड़ना है और 7 को लिखना है, तो अब सेम लॉजिक आपका यहाँ भी लागू हो रहा है, नहीं ये आपको देखना है। तो यहाँ पे 23 है, 23 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है बताएं, 23 के बाद क्या आता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका 29 आता है और हमें 2 प्राइम नंबर छोड़ना है, और 29 के बाद आपका प्राइम नंबर क्या आता है, 31 आता है, इन दोनों को नहीं लिखना है, इसके बाद वाला लिखना है, तो इसके बाद आपका 37 आता है। तो आप देखें सेम लॉजिक में हमने क्या किया, हमारा यहाँ भी आ गया, तो सेम लॉजिक में हमें 11 के बाद करना है, तो आप देखिए 11 के बाद क्या आएगा, 11 के बाद प्राइम नंबर 13 आता है, इसे नहीं लिखना है, फिर 17, 2 प्राइम नंबर को छोड़ना है, और इसके बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 19, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, समझ में आ गए किस तरीके का लॉजिक था, यहाँ पे आपको प्राइम नंबर 2 छोड़ देने थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अब इसे देखें यहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें जैसे मैंने आपको बताया, आगे भी बताया, आप देखें 21 से 2 है, फिर 85 से 40 है, 3 से 30 है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया अगर आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, बेसिक बात मैंने क्या बताई थी, आप डिजिट को भी देखें, डिजिट आपके पास है वहीं पर आपको लॉजिक सोचना है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप देखें 21 से 2 कैसा है, अगर आप 21 और 21 में इन दोनों को डिजिट को मल्टीप्लाई करते तो आपको 2 मिल रहा है, तो सेम आप देखेंगे 85 में 8 और 5 को मल्टीप्लाई करते तो 40 मिल रहा है, और यहाँ पे 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन है, बस बेसिक चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखना। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है, ये लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, अब आप 26 से 3 है तो यहाँ पे आपको बताना है कि 4 का क्या होगा, आप देखें 26 और 3 में किस तरीके से रिलेशन है, तो आप यहाँ पे रिलेशन ढूंढें, तो मैंने आपको बताया है आपको स्क्वायर देखना है, क्यूब देखना है, ठीक है, स्क्वायर क्यूब के आसपास नंबर हो सकते हैं, ठीक है, क्या पता उससे एक कम हो, एक ज़्यादा हो, या 5 कम हो, 5 ज़्यादा हो, इस तरीके से देखना है। तो आपको 3 और 26 में क्या दिख रहा है, अगर आप 3 का क्यूब करते हैं और उसमें से एक माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 26 आएगा, ठीक है, 3 का क्यूब 27, 27 में से एक माइनस करेंगे 26 आएगा, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे करनी है, 4 का क्यूब करेंगे और क्यूब में से एक माइनस करेंगे तो 64 होगा, 64 में से एक माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो आपको इसी तरीके से देखना है, अगर ऐसे क्यूब करके 26 आ रहा है और यहाँ पे क्यूब से माइनस 1 करके 63 ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद आप दूसरे तरीके से लॉजिक सोचेंगे, ठीक है, पहले आपको जो आपके स्टेप होने चाहिए इसी तरीके से होने चाहिए जैसे मैंने आपको बताया, स्क्वायर देखें, क्यूब देखें, प्राइम नंबर आप देख सकते हैं, डिजिट का सम देख सकते हैं, उनके बीच का गैप देख सकते हैं, नंबर में कहीं क्या पता फिक्स नंबर ऐड हुआ हो, या ऐसा हो सकता है फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो दोनों को,
ठीक है, या डिवाइड किया गया होगा जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी किया। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चनों को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखें किस तरीके से होगा। तो आप देखें 7 42 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 है फिर उसका 42 है, यानी कि आप कह सकते हैं मल्टीपल हो सकता है। तो आप देखें 7 6 42 होता है, तो किस तरीके का लॉजिक बना, अगर हम 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आ रहा है 42। तो यहाँ पर पैटर्न क्या बना, यानी कि 7 से हमने एक कम संख्या से इसे मल्टीप्लाई किया है। तो सेम आप देखें नेक्स्ट में 9 से 1 कम क्या होता है 8, तो 9 8 72, तो पैटर्न सेम होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पैटर्न आपका सेम है, यानी कि जो भी आपकी संख्या दी गई है उससे एक कम संख्या से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 8 72, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 11 से 1 कम क्या होगा, 11 से 1 कम आप करेंगे तो 10 होगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 110 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आप देखें आसानी से तो आपको हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पे देखें इसे किस तरीके से किया गया है। आप देखें 56 है, 15 है, 76 21 है। आप सोचें पहले खुद से ट्राई करें कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है, पहले खुद से करें, करने के लिए ट्राई करें, फिर देखें क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, आपने कर लिया होगा तो अब मैं यहाँ पे आपको लॉजिक बताता हूँ किस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप डिजिट देख सकते हैं, स्क्वायर क्यूब के आसपास आपको कहीं पे नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से तो आप यहाँ पे दूसरी चीज सोच सकते हैं। ठीक है, कैसे, डिजिट वाला मैंने बताया। अब आप देखें अगर आपके पास 5 और 6 है, आपको 15 लाना है, किस तरीके से सोचेंगे। तो डिजिट है तो आप 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6 5 30, और 30 का हाफ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। तो ये लॉजिक हमारा इन दोनों में लगा। अब इसी लॉजिक को हम यहाँ लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पहला स्टेप 7 और 6 जो डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करना है। 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 7 7 6 42 आ जाएगा, और इसका हाफ करना है तो हाफ करेंगे तो आपके पास 21 आ गया। तो सेम पैटर्न में आपका आंसर आ गया। तो अब आप इसे भी कर लेंगे 81 को, तो आपको क्या करना है 8 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, डिजिट को 8 और 1 है, यहाँ पे 8 आएगा और उसका हाफ करना है, तो उसका हाफ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी तरीके के लॉजिक आगे भी पूछे जाते हैं, तो आपको एग्जाम में भी यही ट्राई करना है। आप आगे क्वेश्चन भी जो आ रहे हैं उनमें भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें तो सीधे सीधे आपको स्क्वायर दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं 18 का स्क्वायर 324 दिया गया है, फिर उसके बाद आप देखें ये 18 का क्यूब है। तो आप देख ये कह सकते हैं 18 का स्क्वायर, ठीक है 18 का 1, ठीक है 18 की पावर 1, 18 का स्क्वायर और 18 का क्यूब, इस तरीके का ये रिलेशन है। तो यहाँ पे आप सेम करेंगे 36, यानी कि ये आपका 36 की पावर 1 है, और उसके बाद 36 का स्क्वायर आपका 1296 होगा, तो यहाँ पे 36 का क्यूब आना है। अब आप देखो 36 का क्यूब आना है तो आपको क्यूब निकालना नहीं है, आप देखेंगे कि 6 की पावर कुछ भी हो वो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आता है, तो आप सीधे यूनिट डिजिट में चलेंगे। अगर दो ऑप्शन के यूनिट डिजिट सेम होंगे तो तब हमें क्यूब निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखें एक ही ऑप्शन है जिसका आपका यूनिट डिजिट 6 है और किसी ऑप्शन में ही नहीं है, और 36 का क्यूब है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 1। आपको वहाँ पर क्यूब निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप ऑप्शन हमेशा ध्यान में रखें, ऑप्शन आपको देखने और यूनिट डिजिट देख के ही चलना है, इससे आपका टाइम वहाँ पर बचेगा। तो ये आपका पैटर्न था, किस तरीके का पैटर्न था आप देख सकते हैं, और 36 का क्यूब करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहां पे देखें ये तो काफी आसान दिख रहा है। तो यहां पे आप देखो संख्याएं ज्यादा हैं, संख्याएं जब बड़ी हो, नंबर अगर बड़ा हो तो वहाँ पे क्या होगा, डिजिट का रोल होगा, या तो डिजिट का प्लेस में चेंज होगा, आगे पीछे हो सकता है, या डिजिट का सम आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके का वहाँ पे होगा, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, या आपका डिजिट अगर बड़ी संख्या तो या आपका क्यूब हो सकती है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर क्यूब था, ठीक है यहाँ पर भी आप देखें बड़ी संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्यूब आपको, स्क्वायर क्यूब आपको सीधे सीधे दिख रहा था। तो समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो आप देखें 75 को यहाँ पे रिवर्स करके लिख दिया गया, एक्सचेंज करा है, और सेम 91 को भी यहाँ पे एक्सचेंज करिए उनकी पोजीशन, ये तो आसान है। तो यहाँ पे 59 को करेंगे तो 95 आ जाएगा, और 37 को तो 73 आ जाएगा। तो 9573 इसका आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 18 से 27 है, और आपको बताना है 28 से। तो यहाँ पे देखें किस तरीके से आप करेंगे। आप देखें मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं अगर आपको 18 से 27 जाना है तो आप कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे 9 ऐड करेंगे तभी आपको 27 मिलेगा। तो अब यहाँ पे पैटर्न क्या बना, आप 18 पे 9 ऐड करें तो आप ये कह सकते हैं हमने यहाँ पे 18 का हाफ ऐड किया है। ठीक है, ये आपका पैटर्न बन गया, लॉजिक बन गया। तो सेम आप यहाँ पे करेंगे,
अब 28 से आप आगे जाएंगे तो आपको क्या करना है, 28 का हाफ ऐड करना है। यहाँ पे हमने 18 का हाफ ऐड किया था संख्या का, तो 28 का हाफ ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप देखें 28 का हाफ ऐड करेंगे 14 होगा, और 28 में 14 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 42। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 42 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे किस तरीके का है, तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि आप स्क्वायर देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर देखेंगे तो आप 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 196 आएगा, क्योंकि ये 196 के आसपास नंबर है, और इसमें अगर आप 14 ऐड करते तो आपको क्या मिल जाएगा, 210 मिल जाएगा। ठीक है, तो 210 मिल गया। तो सेम यहाँ पर आप सेम प्रोसेस में यहाँ पर आप क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर, सेम पैटर्न होना चाहिए, 16 का स्क्वायर 256, और यहाँ पे हमने जिसका स्क्वायर किया वही नंबर ऐड किया, तो यहाँ पे हम 16 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 272, 6 6 12 5 1 6 7, 272 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी है, आपका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका क्या है, इस क्वेश्चन में यह आपका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे दो पैटर्न लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आंसर 272 नहीं दिया गया, तो यहाँ पे दो पैटर्न लिख रहे हैं, और एग्जामिनर ने अगर आपकी आंसर की आई होगी तो आपने देखा भी होगा, उसमें लिखा भी होगा, नहीं तो आप इसमें ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। कैसे ऑब्जेक्शन, यहाँ पे जो है ये आपका एनटीपीसी ने आंसर 272 नहीं दिया, उन्होंने दिया गया है 240। अब 240 किस तरीके से दिया गया, आप ये देखें, अगर आप 14 को 15 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास क्या आता है, आप 14 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 210 आता है। तो सेम आप 16 को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लॉजिक क्या हो गया कि आपने पहले नंबर को 15 से मल्टीप्लाई किया, एक फिक्स नंबर है, और सेम आपने 16 को भी 15 से मल्टीप्लाई किया गया तो आपके पास क्या आ गया, 240 आ गया। तो इसके हिसाब से इन्होंने आंसर क्या दिया गया है, 240 आंसर दिया गया। तो यहाँ पे आपके दो पैटर्न लग रहे हैं, तो ये आप ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन करना होता है, या आपका क्या होता है कि एनटीपीसी या जो भी कंपनी उसे पेपर करा रही है तो वो आपका खुद पर खुद इसे सही करके दे देती है, यानी कि सभी को इस तरीके से नंबर मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई भी क्वेश्चन का आपके दो लॉजिक बनते हैं तो सभी को नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर 240 भी हो सकता है, 272 भी हो सकता है। ठीक है, और आंसर जो दिया गया है, ठीक है, जो आपका एग्जामिनर ने आंसर दिया गया वो 240 दिया गया, और इस तरीके से आप लॉजिक उसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 2 का 32 है, 4 का बताना है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे कह सकते हैं, मैंने बताया स्मॉल नंबर से बड़ा नंबर जा रहा है, तो या तो स्क्वायर क्यूब हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप 2 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 32 आता है, तो लेकिन आप 4 को 16 से करेंगे तो 64 आंसर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका क्या होगा, इनकी पावर होगी। अगर आप 2 की पावर 5 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, 2 की पावर 5 करके देख लीजिए तो आपको मिलेगा 32। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 मिल जाता है। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे 4 की पावर 5 करेंगे, तो 4 की पावर 5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, या आपको सीधे सीधे पता होगा तो क्यूब 64 चक्को आपका 256, 256 चक्को 1024 हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो, आप मल्टीप्लाई ना भी करें तो आपको यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट देखेंगे तो एक ही ऑप्शन की 4 आ रही है, सारे ऑप्शन की यूनिट डिजिट इसकी 8 है, इसकी भी 8 है, लेकिन अगर आप इसे यूनिट डिजिट देखें तो 4 आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 36 216 81। अब आप देखेंगे ये आपका स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये स्क्वायर, तो सारे स्क्वायर क्यूब है, ऐसे क्वेश्चन तो आसान होते हैं और आपको एक सेकेंड में कर लेने। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, 6 का क्यूब है, और यहाँ पे आपको क्या दिया गया, ये 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम 6 का क्यूब, यहाँ पे 9 का क्यूब आ जाएगा। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 729, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 7 को 54 लिखा गया, 9 को क्या लिखा जाएगा, तो मैंने आपको बताया पहला स्टेप क्या है, स्क्वायर है। तो आप देखें, मोस्टली क्वेश्चन देखें ना एनालॉजी के, मैंने आपको एनालॉजी के इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, आप देखिए जो भी TCS सारे पेपर कराती है, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो या बैंक हो, TCS पेपर कराते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पैटर्न जो होते हैं सेम होते हैं। और एनालॉजी है, एनालॉजी के क्वेश्चन चाहे SSC में आए या रेलवे में आए या रेलवे ग्रुप डी में आए, तो सब में सेम ही तरीके से आएंगे और सेम ही तरीके से आप करोगे। तो आप देखोगे, अगर जो मैंने SSC के एनालॉजी के क्वेश्चन कराए हैं वहाँ भी अच्छे क्वेश्चन आए, तो वहाँ भी आप देखोगे आपको अगर 100% आप क्वेश्चन लेते हो तो उसमें से 80% 75% क्वेश्चन जो होंगे वो आपके स्क्वायर क्यूब इनके आसपास होंगे। जो पैटर्न मैंने आपको बताए हैं, प्राइम नंबर या डिजिट को साथ दे सकते हैं, बाकी आपके
वो होंगे, ठीक है। तो स्क्वायर के आसपास के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत होते हैं। तो आप देखेंगे 7 को 54 लिखा गया, तो आपका 7 है स्मॉल नंबर है, 54 बड़ा, तो आप ये सोच सकते हैं अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसके पास है। अगर आप 7 का स्क्वायर करते तो आपके पास कितना आता है 49, आपको 54 चाहिए तो आप कितना ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो सेम आप यहाँ पे क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 5 ऐड करेंगे, तो आप देखें 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में 5 ऐड करेंगे तो आपके पास 86 आ जाता है, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 4th ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके का यहाँ पे लॉजिक था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 86। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब इसे देखें, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी क्यों है, कभी कभी कैसे क्या होता है पता, हम एनालॉजी है करके हम क्या करते हैं एनालॉजी है और एक तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप देखेंगे 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन इस तरीके से आया है, क्या आया यहाँ पे क्या पूछा गया नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है कि मतलब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि तीन ऑप्शन तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, एक ऑप्शन आपका फॉलो नहीं करेगा, वही आपको ढूंढना है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है, कभी कभी जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं हमने देखा कि इसमें ये लॉजिक लग रहा है और हम फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे वही लॉजिक लगा वही आंसर कर देंगे, लेकिन बाद में हम देखेंगे जब आंसर की आ जाएगी तो तब पता चलता है कि यहाँ पे पूछा कुछ और गया था। तो यहाँ पे देखेंगे 4 से 8, तो 4 से 8 कैसे जाएगा, पहले आप ये कह सकते हैं अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 मिल जाएगा, लेकिन आप देखेंगे पहले ऑप्शन में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होना चाहिए था, फिर यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 6 को 2 से 12, तो इस तरीके का लॉजिक नहीं है। तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने में तो 8 आ रहा है लेकिन पैटर्न किस हिसाब से, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपको 4 से 8 जाना है तो आप कैसे जाएंगे, तो अगर आप 4 से 8 जाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके ही जा रहे हैं, लेकिन 2 से कैसे, अगर आप 4 का हाफ यहाँ पे करते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो तब आपको क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है, तो ये इस तरीके का पैटर्न बना। तो सेम पैटर्न हम इसमें लगाएंगे, तो पैटर्न क्या है 2 और 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 के आधे से, ठीक है, यानी कि 4 के आधे से, तो 2 के आधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये तो फॉलो कर रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं हमें बताना है जो फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम इस ऑप्शन को देखेंगे दूसरे ऑप्शन को, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 को 3 से हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा आपको 4.5 मिलेगा, तो ये आपका इस तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आपको देखना है इसी पैटर्न में और ऑप्शन भी फॉलो होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 के हाफ से, तो 6 का हाफ कितना होता है 6 का हाफ आपका 3 होता है, 6 × 3 = 18, ये फॉलो कर रहा है सेम पैटर्न में। और नेक्स्ट आप देखेंगे 8 से 32, तो 8 का हाफ कितना होता है 4 होता है, ठीक है, 8 का हाफ 4, 8 × 32, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सारे ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पे देखें इसे आप किस तरीके से करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, पहले खुद से सोच लें, ठीक है, वही देखना है। आप देखें कि 3 से 36 कैसे मिला, या आप यहाँ से जाए क्वेश्चन मार्क पहले वाले में तो आप ये बोल सकते हैं कि 36 से 3 कैसे मिलेगा, तो आसान क्वेश्चन है, तो आप ये कह सकते हैं अगर आपको 36 से 3 चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे 12 से, अगर आप इसे 12 से डिवाइड करते तो 12 × 36 हमें 3 मिल जाता है। तो सेम प्रोसेस में हम 20 × 736 को करके देख लेते हैं 12 से, अगर ऑप्शन होगा तो यही पैटर्न होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 × 12 = 8, ठीक है, 12 × 7 = 84, 84 × 3 = 24 और 12 × 8 = 96, तो 1728 यहाँ पे मिल गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा 1728 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से गए। अगर हम यहाँ से 3 से 36 जाते तो हमें क्या करना पड़ता कि हम कहते कि इसे 12 से मल्टीप्लाई किया तो 36 मिला, फिर हमें सारे ऑप्शन देखने पड़ते और ऑप्शन देख के हम देखते कि सारे ऑप्शन चेक करते कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें 20736 मिल रहा है, ठीक है, या आप यहाँ से भी ऐसे गए जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो यहाँ पर जो भी एनालॉजी के क्वेश्चन थे, ठीक है, आधे पेपर के मैंने कर दिए, आगे फिर कलेक्ट करूँगा, फिर आपको एनालॉजी के क्वेश्चन कराऊँगा। तो लेकिन इससे पहले आपका सपोर्ट ज़रूरी है, आप प्लीज़ सपोर्ट करें, जितना आपकी मर्ज़ी आप उस तरीके से सपोर्ट करें ताकि मैं भी अगर आपके लिए मेहनत करूँ क्वेश्चन बनाऊँ तो मुझे भी कुछ मिल सके, ठीक है, तो मेरा भी घर बार चल सके। तो आप वीडियो को देखें, आप वीडियो को देख के आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हुआ है, अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा हो रहा होगा, आप जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा ले रहे होंगे वीडियो से, क्योंकि आप यहाँ तक क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा हो रहा होगा, नहीं तो आप पहले ही क्वेश्चन से चले जाते हैं, ठीक है, पहले से ही चले जाते हैं। तो यहाँ तक आए हुए हैं तो कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर करें, सपोर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको UPI ID दे दी है, ठीक है, इसमें आप कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं, 111-5946@PayTM, ठीक है। तो यहीं पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को, आगे हम
लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन भी करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो यहीं पर ये ख़त्म होती है। थैंक यू।